हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि नर्सिंग को कितनी सैलरी मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने एक छोटा सा पीपीटी प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है। सो इन दैट प्रेजेंटेशन हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे गाइस। तो नर्सिंग का कोर्स अगर मैं बात करूँगा तो 3 साल का होता है। डिपेंड करता है कि वो कितने साल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि 10वीं के बाद अगर आप करना चाहें तो 6 महीने में भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, शॉर्ट कोर्स। उसके बाद 1.5 साल का कोर्स होता है, 2 साल का, और बाद में 3 साल का कोर्स होता है। अगर आप इसमें डीप स्टडी करना चाहते हैं गाइस, तो इसमें आप PhD भी कर सकते हैं। इसका इतना लंबा प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो 3 साल का उनका नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करे। तो वहाँ पर जब कोर्स कंप्लीट होता है गाइस, तो उनको एज अ फ्रेशर्स ज्वाइन होना होता है किसी जगह पे। तो यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए सैलरी मिलती है मैक्स करके 8 to 10,000 इन इंडिया। अगर मैं US, कनाडा, UK की बात करूँगा गाइस, तो वहाँ पर आवरली उनको डॉलर्स के हिसाब से सैलरी मिलती है। अगर US की बात करूँगा गाइस, तो यहाँ पर $25 पर आवर के अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिल सकती है नर्सिंग्स में। सो इंडिया और US में बहुत डिफरेंस है उनके जो CPC रेट है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया आपकी सैलरी 8 to 10, मैक्स आपकी 20 या 50 के आसपास रह सकते, 15 to 20,000 के आसपास मैक्स। डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशंस के लिए फर्स्टली अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर कि एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी हमेशा बढ़ती है गाइज इंडिया में, लेकिन वो सैलरी रेट भी फॉरेन कंट्री के अकॉर्डिंग बहुत कम है, लेकिन यहाँ के CPC के अकॉर्डिंग वो रेट अच्छा है। यहाँ पे 50,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है एक्सपीरियंस के बेस पे, अगर आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो। अभी अप्रेंटिस की बात करूंगा गाइस, तो यहाँ पर उनको स्टाइपेंड मिलता है। पता नहीं कोई कंपनी स्टाइपेंड देती या देती भी नहीं है, लेकिन स्टाइपेंड उनको 8,000 तक मंथली स्टाइपेंड मिलता है। डिपेंड करता है वो किस तरह से आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट कर रहे हैं, यानी खाली ट्रेनिंग दे रहे हैं या आपसे कुछ करवा रहे हैं, तो वो इस सारी चीज़ों में आपका अप्रेंटिस इंक्लूड कर देते हैं। अभी यहाँ पर रियल टाइम ग्रोथ की बात करूंगा गाइस, तो एक्सपीरियंस बहुत मैंडेटरी है अगर आपको सैलरी ग्रो करनी है आपके नर्सिंग में। और अगर इंडिया की बात करूँ यहाँ पे करियर ग्रोथ के लिए, तो आफ्टर एक्सपीरियंस आपकी सैलरी 50,000 तक जाती है, वो एक अच्छी खासी सैलरी इंडिया में मानी जाती है। लेकिन फ्रेशर्स के लिए स्ट्रगल लाइफ है गाइस, 2-3 साल आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। एक 10% पीपल होते हैं जिनका लक अच्छा होता है, लेकिन 90% पीपल को स्ट्रगल के थ्रू ही आगे बढ़ना होता है। सो होप ये सैलरी स्ट्रक्चर है नर्सिंग का जो आपको समझ में आया होगा गाइस। कुछ क्वेरी, कमेंट, डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इस बाय बाय, टेक केयर।